हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती। आज मैं अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है घरेलू उपाय। तो आज का जो दिन है, ये अभी जो सीजन चल रहा है, ये सर्दी और गर्मी के बीच का सीजन है, जहां पे अक्सर क्या होता है कि दिन भर हमें बहुत सारी गर्मी, पॉल्यूशन और ये सब झेलना पड़ता है, और रात होते ही कुहासा या जिसको कोहरा कह लें वो हो जाता है और ठंड पड़ने लग जाती है। इससे क्या होता है कि कभी कभी तापमान जो है अचानक बहुत ज्यादा गिर जाता है रात के वक्त और दिन के वक्त बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, ऐसे जीवाणु विषाणु हैं जो हमारे हवा में रहते हुए हमारे शरीर के अंदर नाक के द्वारा घुस जाते हैं और हमें तकलीफ हो जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि खांसी जुकाम का होना, ये एक थ्रू एयर होने वाला डिजीज है, या समझिए वायरल बुखार होना, ये भी थ्रू एयर होता है। तो इन सब छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए एक बहुत छोटा सा नुस्खा मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, घर की चीजों से ही बना के आप उसे व्यवहार कर सकते हैं और आप देखिएगा उससे 100% आपको निजात मिलेगा और आराम मिलेगा उस रोग से। तो आज का जो नुस्खा है वो है वायरल फीवर से बचने के लिए, सर्दी जुकाम से बचने के लिए, स्पेशली जिनको दमे की परेशानी और सांस का प्रॉब्लम हो, या बहुत ज्यादा कफ या बलगम सीने में जम गया हो, उसको निकालने के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन है अचूक रामबाण उपाय। तो दोस्तों, पहला जो आपको करना है वो 5 से 7 नग या पत्ते, तुलसी के पत्ते लेने हैं, 5 लौंग लेना है और 5 जिसको कहते हैं काली मिर्च, पेपर, अंग्रेजी में से पेपर बोला जाता है, और थोड़ी सी अदरक लगभग 25 ग्राम के आसपास, सबको लेकर एक पतीले में आप डालें और डालकर थोड़ा सा पानी डालें, लगभग 1 गिलास के लगभग पानी डालें और ये चारों चीजें एक साथ डाल दीजिए और कुछ देर वो लगभग 10-15 मिनट को जब वो खौलने लग जाए तो उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा जो है करीब 5-7 ग्राम का एक टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दीजिए। करीब 10 मिनट तक उसे अच्छी तरह से उबालने के बाद आप अच्छे से एक छालने से छान लीजिए, छान के उस चाय को आप एक हॉट थर्मस कह लीजिए या हॉट बोतल जिसमें पानी गर्म रहता है उसमें डाल के रख दीजिए और हर 2 घंटे बाद, जब भी आपको जैसे बहुत ज्यादा बुखार आया हो तो हर 2 घंटे बाद लेना और उससे बुखार बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है, बुखार से होने वाली जो साइड इफेक्ट्स है, कमजोरियां हैं वो नहीं आती होती। और अगर आपको जुकाम हुआ हो, जैसे सीने में बलगम जम गया हो, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो उसे सुबह एक बार लेना है और शाम को एक बार लेना है, उससे ज्यादा नहीं। देखिएगा दोस्तों कि उसे लेने के बाद आपके सीने में जितना भी बलगम जम जाता है, कफ जम जाता है, वो ऑटोमेटिकली खांसी के थ्रू वो निकल के आ जाता है। कई बार ऐसा होता है हम खांसते रहते हैं लेकिन बलगम नहीं निकलता, तो इस चाय के द्वारा आप देखिएगा कि वो बलगम धीरे धीरे आपके सीने से हल्का होता जाता है। और इतना ही नहीं, ये तुलसी के पत्ते और लौंग, काली मिर्च, अदरक और थोड़ी सी दालचीनी की वजह से ये ओवरऑल हमारे बॉडी के जो प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो मैंने छोटे से कुछ नुस्खे बताए वो आपको पसंद आए होंगे और आप इसे जरूर उपयोग करके देखिए, और कुछ अगर ज्यादा तकलीफ हो तो जरूर और जरूर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि पहले शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। और अगर मुझे आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस नुस्खे से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ अच्छा नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय। प्लीज
सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।